बड़ी बड़ी मूछे जैसे कि देवर जी की रखी है, तो आप अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी नहीं। और 5-6 दांत तो अभी आए ही है इसके। YouTube, Facebook पेज एंड Instagram। अनिता देखो क्या कर रही है इधर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनिता बग्या, स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के 10 बजे से, और आज हमारा काम है मतलब नाश्ता पानी भी कर लिया हमने और बाल बोल तो कहाँ से बनाए, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आज करेंगे हम काम मतलब पेंट वगैरह, तो वहाँ पर पति देव और देवर जी है। तो दोस्तों 3-3 लोग लगे हैं और बाल्टी नहीं खुल रही, पर मुश्किल होता है और अब जज करो आ रहा देखो। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से खुल गई है बाल्टी, अभी जब जब जाके मेरे हाथ लगे उस पर तब बड़ी मुश्किल से बाल्टी खुली है। कसम हद हो गई पति देव के लिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा आराधु के लिए बुरुस आ गया है, और आराधु को ना बहुत पसंद है बुरुस, तो मेरे बुरुस लेके घूमती है यूं 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 करके। तो हमने सोचा आराधु के लिए बुरुस ले ले, और 5-6 दांत तो अभी आए ही है इसके, तो बुरुस वाली बन गई हमारी आधु है ना। आधु खा खाड़ा नहीं वो बुरुस का अलग है ना। तो देखे दोस्तों पति देव की ऐसी बातें बनी, मैं बल मूछे रखता हूँ कैसा लगता हूँ बल, मैं बड़ी बड़ी मूछे जैसे कि देवर जी की रखी है, तो आप अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी नहीं। हाँ मेरे को पता है नहीं लगे। तो चलो दोस्तों आज मैं पति देव की हेल्प करूँगी पेंट करने में, तो देखते हैं कैसे कैसे करेंगे हम पेंट वगैरह। तो देवर जी और मैं और पति देव तीनों की तीनों करेंगे, और सबसे पहले मैं सफाई करती हूँ। और पहले तो सीढ़ी लानी पड़ेगी यार, तो मिस्टर जी मतलब पति देव सीढ़ी के लिए ले गए और सीढ़ी लाएंगे, और उसके बाद हम उन कद्दू को निकालते हैं वहाँ से थोड़ी बहुत। पकड़ा दो आराम से, तेरी का गरवा बारी हो रहा, गरवा बारी ओना ओना लगाओ दे। मेरा आदू का देखो चश्मा लगा रहा है, कैसा लग रहा है ऐसे देव ऊपर, और अब मैं इसे पकड़ूंगी फटाफट से और ऐसे नीचे उत्तरी को ये सब। अनीता भी देख लो सफाई करने लग गई है, और पहले इसमें झाड़ू मारना पड़ेगा फिर जाके पेंट होगा, और यहाँ पूरे जगह पेंट करने हैं। धूप भी अच्छा खिला हुआ है, एकदम प्यारी सी धूप है, खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों का। और यहाँ पे परवीन यहाँ चश्मा पहन के आया है चूना करने के लिए। हाँ क्या तोड़ दो बोलता ही तो। तो दोस्तों शुरू हो गया हमारा कलर करना मतलब पेंट करना, तो पति देव और देवर जी लग गए हमने, और चलो अब मैं भी चलती हूँ उनके साथ थोड़ी उनकी हेल्प करने। तो देखिए मिस्टर जी अभी वाइट वाइट सा कलर लगा रही है, अभी मतलब कलर नहीं मिला इसमें। तो ये देखिए तो ये जम भी जाएगा, और इसे मैं थोड़ा रिंगाती रहती हूँ, और तब जाके नहीं होएगा ये खराब ऐसे डंडे से मोटे से डंडे। अब ये यार मैं तब तो ये फोन आई कर दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया है कलर, और अभी नीचे है और अभी पेंट करना बाकी है। ऊपर हमारा व्हाइट लगा रखा है, और नीचे तो दोस्तों ये पिंक कलर हो रखा है मतलब जैसे कि पहले था सेम वैसे ही है। तो अब देवर जी ऊपर कर रही हैं और हम चलते हैं दोनों नीचे, पति देव भी और मैं भी, और अभी नीचे ना व्हाइट वाला भी करना बाकी है, तो उसके बाद हम पिंक करेंगे, पहले व्हाइट करेंगे उसके बाद पिंक करेंगे, और ऊपर छत से लगने
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ब्लॉग कलर कर रही हैं और पति देव देखो इंस्टाग्राम और फेसबुक एंड क्या हो यूट्यूब बना रखे हैं। तो दिखाती हूँ आप पति देव की मेहनत और उस पर भी कुछ मेहनत करी है पति देव ने, तो दिखाती हूँ आप। तो ये देखिए यूट्यूब फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम और वहाँ पर चल रहे है ब्लॉग का नाम आईडी का नाम अनीता बग्या। तो देखिए इतना वेरी फैंटेस्टिक है। तो कलर कूलर तो अभी हो गया है और मतलब आज हमने इतना ही किया है और पेंट वगैरह कल करेंगे। तो मैंने मुँह हाथ धुल लिया है और पति देव अभी मुँह हाथ धुल रहे हैं और देवर जी ने भी नहीं धुलाया अभी मुँह हाथ। तो अभी हमने खाना पीना भी नहीं खाया है और टाइम भी ना कितना हुआ होगा 3 बजने वाली है। तो अब खाना पीना खाते हैं और अभी बांझ भी है तो बांझ ले जाऊँगी मैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी बाल बूल बनाती हूँ, खाना खाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको। खाने में आपको आया हमारा राजमा की दाल, भात, सलाद, बस इतना ही रहता है पौड़ों में और ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ पे परवीन खा रहे खाना और से खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो दोस्तों खाना पीना खा के भी हम रेडी हो गए, अब जा रहा हूँ मैं गांव की तरफ और चूना भी हमने कर लिया है थोड़ा बहुत और अभी जाने वाला हूँ अपने गांव की तरफ नीचे की तरफ जो कि काफ़ी नीचे में मेरा गांव, आपको दिखाता हूँ बैठे हैं नीचे। फिलहाल तो मैं चूना भी कर लिया और आप देख सकते हैं तो अभी तो गांव में कोई रहने के लिए भी रेडी है नहीं, अभी पूरे गांव प्लान होगी, पूरे गांव में पूरे ताले लगे हुए और यहाँ पर वो हमारा घर दिख रहा है ऊपर। तो दोस्तों मैं घूम घाम के आ चुका हूँ गांव से, गांव में तो कोई है नहीं, यहाँ ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और बस बात बाकी तो बढ़िया है। और मैं अभी घूमने गया था गांव में और अनीता तो गई बांझ के लिए। अनीता देखो क्या कर रही है इधर, चल क्या कर मम्मा है। तो दोस्तों अनीता तो गई थी बांझ के लिए, ये तो अभी बांझ से आ रही है, मैं नीचे गया था गांव में बस। अरे आराध्या को मैं बोले राधा, अनीता तो भाग गई थी बांझ के लिए, गांव में कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा, बात बाकी तो सब बढ़िया है। तो दोस्तों पति देव गए थे अनीता घूमने और जो कि इन्होंने आप लोगों को ब्लॉग भी पूरा नहीं दिखाया होगा और मैं गई थी बांझ के लिए क्योंकि था आज बांझ और मेरे आराध्य तो हाय हाय और लिपस्टिक लगाने भी लगे। देखो दोस्तों मेरे को लग रही थी शर्म, उधर एक तो आदमी नहीं थे उधर ऊपर गाँव में गया तो गाँव में कोई है ही नहीं, बोले एक ही परिवार रहता है उधर, पूरा गढ़वाले बोलते हैं खोला बोलते हैं जिससे पूरा खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा है क्योंकि आज घर ना सब ने मतलब ऊपर की साइड गाड़ दी है यार मकान, तो इस कारण ना वहाँ नीचे कम गांव में कोई रहता नहीं है और सभी सड़क की तरफ चले गए। गया था मैं उधर आपको ब्लॉग में देख के पता लग जाएगा, ज्यादा तो बना नहीं पाया क्योंकि मैं अभी शर्माती है, मेरे को बनानी है, मैं शर्माता नहीं हूँ लेकिन फिर भी आ जाती है थोड़ा क्योंकि आजकल नहीं बना रहा हूँ मैं 2-3 दिन से। तो पति देव को ना शरम आती है तो उनकी आराध्य को ना शरम नहीं आती है ना आराध्य, तो आराध्य ना आराध्य मेरे पास बिल्कुल नहीं आती, बस पापा ही चाहिए रात दिन सुबह शाम ना पापा ही चाहिए। तो मैं भी आ गई हूँ जंगल से और आज बन रही है हमारी स्पेशल डिश है ना, कौन बनाएंगे तो पति देव बनाएंगे, तो देखते हैं पति देव ही बनाएंगे आज की डिश। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिश बनाना है ना, चलो और उसके बाद मिलते हैं आपको डायरेक्टली सीधा खाने के बाद। तो देखे दोस्तों आज खाने में बनेगा हमारा मटर पनीर और ये पनीर कट के रेडी है और ये मटर
और ये प्याज और टमाटर और लहसुन और अदरक और भी है कुछ उसमें। तो ये पति देव ने काट कूट के रख दी है, अब देखते हैं पति देव कैसे बनाते हैं इसे। तो आज हम टेस्ट करेंगे आपके हाथों का पनीर कैसे बनाते हैं आप होटल में। तो दोस्तों आज इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।